हेलो फ्रेंड्स, सी प्लस प्लस लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं लेक्चर 18 का पार्ट 1, जिसमें हम सीखेंगे वर्चुअल फंक्शन इन सी प्लस प्लस। देखिए, वर्चुअल फंक्शन एक बड़ा ही टिपिकल कॉन्सेप्ट है सी प्लस प्लस में, जो अक्सर स्टूडेंट्स को थोड़ा सा टफ लगता है। उसके बाद भी जब वो पढ़ लेते हैं तो उनको क्लियर कट कॉन्सेप्ट नहीं बन पाता है कि वर्चुअल फंक्शन का क्या यूजेज है। तो उसका शायद कारण ये है कि वर्चुअल फंक्शन को सही पॉइंट से हम पढ़ना स्टार्ट नहीं करते। हम वर्चुअल फंक्शन को समझने के लिए पहले समझना चाहेंगे फंक्शन ओवरराइडिंग क्या है, जो हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था। उसका मैं थोड़ा सा रिवीजन दूंगा आपको, और क्या प्रॉब्लम होती है फंक्शन ओवरराइडिंग में, जिसका सॉल्यूशन वर्चुअल फंक्शन प्रोवाइड करता है। तो ये पर्टिकुलर लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको बेसिक से अपने को पढ़ना स्टार्ट करना है, तभी हमें वर्चुअल फंक्शन ठीक ढंग से समझ में आ पाएगा। तो पहले तो एक रूल समझिए कि आपको याद है पॉइंटर। पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल होता है जो दूसरे वेरिएबल का एड्रेस कंटेन करता है। नॉर्मली हमने पढ़ा है कि कोई भी पॉइंटर जिस टाइप का होता है उसी टाइप के वेरिएबल का एड्रेस कंटेन करता है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे अगर मैं कोई इंट टाइप का पॉइंटर बनाता हूँ तो इंट टाइप के वेरिएबल को ही पॉइंट कर सकता है, यानी इंट टाइप के वेरिएबल का ही एड्रेस रख सकता है। इसी तरीके से अगर फ्लोट टाइप का पॉइंटर बनाता हूँ तो फ्लोट टाइप के वेरिएबल का ही एड्रेस रख सकता है। लेकिन एक नया रूल आप सी प्लस प्लस में देखेंगे जो कि इनहेरिटेंस से रिलेटेड है। आप देखते हैं इनहेरिटेंस में क्या होता है, एक पेरेंट क्लास होती है जिसको हम बेस क्लास भी बोलते हैं, और उसकी एक चाइल्ड क्लास होती है जिसको हम डिराइव्ड क्लास भी बोलते हैं। तो अगर मैं पॉइंटर पेरेंट क्लास का बनाता हूं तो वो उसकी चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस कंटेन कर सकता है। यस, यानी पॉइंटर नॉर्मली अभी तक हमने देखा था कि जिस टाइप का होता है उसी टाइप के वेरिएबल का एड्रेस कंटेन करता है। और हम जानते हैं क्लास बनाना मतलब एक नया डेटा टाइप बनाना। फॉर एग्जाम्पल, हम दो क्लासेस की यहां बात करते हैं, एक है कार और एक है स्पोर्ट्स कार। तो मान लीजिए कार नाम की क्लास है, उसका मैंने पॉइंटर बनाया है, तो पॉइंटर का टाइप क्या हुआ, कार। तो कायदे से उसे किस ऑब्जेक्ट का एड्रेस रखना चाहिए, कार क्लास के ऑब्जेक्ट का ही एड्रेस उसे रखना चाहिए, तभी तो टाइप सेम होगा। लेकिन रूल ये है कि अगर आपने पेरेंट क्लास का पॉइंटर बनाया है, जैसे कि कार का पॉइंटर बनाया है, तो वो उसकी चाइल्ड क्लास यानी स्पोर्ट्स कार के ऑब्जेक्ट को भी पॉइंट कर सकता है। तो ये बात आपको समझ में आई कि पॉइंटर पेरेंट क्लास का है पर वो चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। चाइल्ड क्लास ही नहीं, चाइल्ड की भी चाइल्ड क्लास होगी, उसकी भी चाइल्ड क्लास होगी, तो इनको हम बोलते हैं डिसेंडेंट क्लासेस, राइट। डिसेंडेंट मतलब वंशज। तो एक क्लास के नीचे इनहेरिटेंस के चलते कई सारी क्लासेस हैं, तो पेरेंट क्लास का पॉइंटर अपने नीचे वाली किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर सकता है। पर इसका उल्टा सही नहीं होगा, यानी चाइल्ड क्लास का पॉइंटर पेरेंट के ऑब्जेक्ट को पॉइंट नहीं कर सकता, यानी ऊपर वाली क्लास नीचे वाले ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। अब जरा इसको एग्जांपल के थ्रू भी समझते हैं, प्रोग्राम के थ्रू भी समझते हैं। तो जैसे मैं एक क्लास बनाता हूं, लेट से क्लास ए, और क्लास बी जो है वो चाइल्ड क्लास बना दी मैंने क्लास ए की, और फिर मेन फंक्शन में मैं बनाता हूं ए क्लास का पॉइंटर और बी क्लास का बनाता हूं ऑब्जेक्ट, ठीक है। आप चाहें तो एक ऑब्जेक्ट ए क्लास का भी बना लें, राइट। तो मैं पी के अंदर एड्रेस रख सकता हूं ओ वन का, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि पी ए टाइप का है और ओ वन भी ए टाइप का है, तो पॉइंटर जिस टाइप का है उसी टाइप का ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल ठीक है ये। लेकिन अगर मैं चाहूं तो पी के अंदर एड्रेस ऑफ ओ टू भी रख सकता हूं, क्यों, क्योंकि पेरेंट क्लास का पॉइंटर है और वो चाइल्ड के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर सकता है। चलिए, तो ये बात हमको समझ में आ गई। अब समझते हैं दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है वर्चुअल फंक्शन समझने के लिए। मान लीजिए कोई फंक्शन ए क्लास में है जिसका नाम हम रख लेते हैं एफ वन। इसकी कुछ कोडिंग होगी, हम इस बात में इंटरेस्टेड नहीं है कि इसकी कोडिंग क्या होगी, अभी कुछ कोडिंग होगी। और ऐसे ही एक और फंक्शन बनाते हैं, ये जो दूसरा फंक्शन हम बना रहे हैं, मान लीजिए इसका नाम भी मैंने सेम रख दिया,
F1। ओके, क्या आपको याद आ रहा है ये क्या कहलाता है? जब कभी पैरेंट क्लास में कोई फंक्शन जिस प्रोटोटाइप से बना है उसी प्रोटोटाइप को दोहराते हुए मैं चाइल्ड क्लास में भी फंक्शन बना देता हूं तो इसको बोलते हैं फंक्शन ओवरराइडिंग। ओवरराइडिंग क्यों करते हैं इसके बारे में हमने समझा था। अगर फंक्शन ओवरराइडिंग को अच्छी तरीके समझना है तो आप इसका जस्ट पिछला लेक्चर देखिए, ये लेक्चर 18 है, आप लेक्चर 17 देखिए। तो फंक्शन ओवरराइडिंग में हम सेम प्रोटोटाइप रखते हैं, एक वर्जन पेरेंट में रहता है और एक वर्जन चाइल्ड में रहता है। मैंने इसका एक एग्जाम्पल भी दिया था, मैं उसको रिवाइज करा देता हूँ। मान लीजिए पेरेंट क्लास है कार और चाइल्ड क्लास है स्पोर्ट्स कार। तो पेरेंट क्लास में एक शिफ्ट गियर नाम का फंक्शन होगा, कार क्लास में एक शिफ्ट गियर नाम का फंक्शन होगा जिसके कारण गियर चेंज होगा। अब स्पोर्ट्स कार में अगर आप स्पोर्ट्स कार का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो भी गियर चेंज करने के लिए शिफ्ट गियर को कॉल कर सकता है क्योंकि वो अपने पेरेंट के मेथड्स को कॉल कर सकता है। लेकिन हम चाहते हैं स्पोर्ट्स कार के लिए गियर चेंज करने की एक डिफरेंट फंक्शनैलिटी हो। तो अगर मैं ओवरराइडिंग नहीं करता हूं तो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट, स्पोर्ट्स कार का ऑब्जेक्ट इस नई फंक्शनैलिटी को भी कॉल कर लेगा और पुरानी वाली को भी कॉल कर लेगा। राइट, आप मेरी बात समझे। मान लीजिए ए क्लास क्या है, कार क्लास, और कार क्लास के अंदर ये F1 क्या है, ये शिफ्ट गियर फंक्शन है जिससे गियर चेंज होता है। लेकिन ये पुराने स्टाइल से सिर्फ एक ऑर्डिनरी कार में गियर चेंज करने का कोई मैकेनिज्म होगा, वो कोडिंग इसके अंदर है। और बी क्लास क्या है, स्पोर्ट्स कार। स्पोर्ट्स कार में गियर चेंज करने का एक डिफरेंट तरीका होना चाहिए। तो अगर मैंने यहां पर एक अलग फंक्शन बना लिया जो गियर को चेंज करेगा, तो स्पोर्ट्स कार का ऑब्जेक्ट अगर F2 को कॉल कर रहा है इसका मतलब गियर एक मॉडर्न स्टाइल से चेंज हो रहा है। लेकिन वो F1 को भी तो कॉल कर सकता है। मान लीजिए चाइल्ड क्लास में मैंने कोई F1 नहीं बनाया, तो स्पोर्ट्स कार का ऑब्जेक्ट अगर F1 को कॉल करेगा तो पेरेंट क्लास में मौजूद F1 चलेगा, और F2 को कॉल करेगा तो चाइल्ड क्लास में मौजूद F2 कॉल होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट पेरेंट के मेथड्स को भी कॉल कर सकता है। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, स्पोर्ट्स कार का ऑब्जेक्ट दो तरीके से गियर चेंज कर सकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम चाहते हैं कि एक ही तरीके से चेंज हो। तो बेसिकली जो सर्विस है, सर्विस यानी फंक्शन, स्पोर्ट्स कार में शिफ्ट गियर नाम की होनी चाहिए। भाई कार क्लास में जो शिफ्ट गियर नाम का फंक्शन है वो अगर गियर चेंज कर रहा है तो स्पोर्ट्स कार में भी हम गियर चेंज कराने के लिए शिफ्ट गियर नाम की फंक्शनैलिटी चाहेंगे, पर उसकी कोडिंग डिफरेंट चाहेंगे। कोडिंग डिफरेंट पर नाम सेम, फायदा क्या? जब स्पोर्ट्स कार का ऑब्जेक्ट शिफ्ट गियर को कॉल करे तो चाइल्ड वाला वर्जन चले। तो देखिए मैंने चाइल्ड क्लास में सेम नेम का फंक्शन बना दिया, ऊपर F1 है तो नीचे भी F1 है, आर्ग्यूमेंट्स भी सेम। तो जब सेम प्रोटोटाइप का फंक्शन आपने बना दिया तो इसको बोलते हैं फंक्शन ओवरराइडिंग। और जब चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट इसे कॉल करेगा तो ये F1 कौन सा वाला चलेगा, चाइल्ड वाला, और चलना भी चाहिए, ये लेटेस्ट डेफिनेशन है। स्पोर्ट्स कार के ऑब्जेक्ट के लिए शिफ्ट गियर की लेटेस्ट डेफिनेशन चाइल्ड क्लास में मौजूद है तो उसको प्रेफरेंस मिलना चाहिए, और होगा भी। हमने चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है O2। अगर मैं O2.F1 कॉल करूं तो कौन सा वाला F1 चलेगा, चाइल्ड क्लास वाला F1 चलेगा, यानी बी क्लास में जो है, और ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन जब हम पेरेंट क्लास के पॉइंटर की बात करते हैं और उसके थ्रू मेथड्स को कॉल करते हैं तो कहानी थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। तो पॉइंटर के थ्रू कैसे एक्सेस करेंगे, हम जानते हैं पॉइंटर के थ्रू मेंबर को एक्सेस करते हैं तो डॉट ऑपरेटर नहीं एरो ऑपरेटर लगता है। तो अभी आप नोटिस करिए यहां पर कि मैंने चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस पॉइंटर में असाइन कर दिया। अब मैं क्या करता हूं, पॉइंटर के द्वारा F1 फंक्शन को कॉल करता हूं। नोटिस करिए कि F1 को कॉल O2 डॉट लगा के नहीं कर रहा हूं, P एरो करके कर रहा हूं। यह भी हम जानते हैं कि फंक्शन के कॉल को देखकर उसके सही वर्जन को बाइंड करने का काम कंपाइलर करता है और इसको अर्ली बाइंडिंग कहते हैं। अर्ली बाइंडिंग यहां पर भी होगी, पहले भी हो रही थी, पहले जब आपने O2.F1 लिखा था तो भी अर्ली बाइंडिंग हो रही थी। और O2 देखिए, जब आपने लिखा था O2 डॉट तो अर्ली बाइंडिंग का मतलब क्या था, कंपाइलर F1 के कॉल को देखकर
F1 की सही डेफिनेशन कौन सी है उसके साथ इसको बाइंड करेगा, और ऐसा करने के लिए वो O2 के टाइप को देखता था, यानी इस फंक्शन को किसने कॉल किया है उसके डेटा टाइप को देखता था। O2 का टाइप क्या है? B। तो B क्लास में जाता था और वहाँ F1 ढूंढता था, मिल जाता था, उसको बाइंड कर देता, इसलिए चाइल्ड क्लास वाला चलता है। तो फंक्शन ओवरराइडिंग के केस में क्यों चाइल्ड क्लास वाला वर्जन चल रहा है? इसीलिए। अब अर्ली बाइंडिंग जो हो रही है ये तब भी होगी जब आप पॉइंटर के द्वारा कॉल कर रहे होंगे, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, जब अर्ली बाइंडिंग होती है और कंपाइलर ये काम कर रहा है तो उसे ये नहीं मालूम कि पॉइंटर में एड्रेस किसका रखा है, इसलिए कंपाइलर F1 के सही वर्जन को ढूंढने के लिए ये नहीं जान पाएगा कि P के अंदर O2 का एड्रेस है कि O1 का एड्रेस है, क्योंकि कंपाइल टाइम पे एड्रेसेस नहीं पता चलेंगे पॉइंटर के अंदर क्या है, वो तो जब मेमोरी एलोकेट होगी रन टाइम पे तब पता चलेगा। तो कंपाइल टाइम पे तो पॉइंटर का टाइप ही कंपाइलर को समझ में आ सकता है, क्योंकि पॉइंटर का टाइप डिक्लेरेशन से तय हो चुका था, डिक्लेरेशन में था कि पॉइंटर का टाइप है ए। इसका मतलब अर्ली बाइंडिंग करते वक्त कंपाइलर पॉइंटर के टाइप को देखेगा ना कि पॉइंटर के कंटेंट को। तो फंक्शन को कॉल अगर ऑब्जेक्ट के द्वारा किया जा रहा होता है तो ऑब्जेक्ट के टाइप को देखते हैं, पॉइंटर के द्वारा अगर फंक्शन को कॉल कर रहे होते हैं तो पॉइंटर के टाइप को देखते हैं। तो पॉइंटर का टाइप क्योंकि ए है इसलिए कंट्रोल ए क्लास में जाएगा और वहां पे ढूंढेगा कि क्या F1 नाम का कोई फंक्शन है, और अगर है तो उसे बाइंड कर देगा, और इसी वजह से पेरेंट क्लास वाला ए चल जाएगा। अब सोचिए जरा, ये गलत है कि नहीं? अगर आप पेरेंट क्लास को कार क्लास मान रहे हैं और चाइल्ड क्लास को आप स्पोर्ट्स कार मान रहे हैं और F1 को आप शिफ्ट गियर फंक्शन मान रहे हैं, तो आप यही कहेंगे ना कि ऑब्जेक्ट तो हमने स्पोर्ट्स कार का बनाया लेकिन चल रहा है, देख ऑब्जेक्ट तो वाकई में चाइल्ड क्लास का है ना, पॉइंटर भले ही पेरेंट क्लास का लेकिन इसमें एड्रेस तो चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट का है, तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट तो हमने स्पोर्ट्स कार का बनाया पर शिफ्ट गियर फंक्शनैलिटी चल रही है पेरेंट वाली, जबकि स्पोर्ट्स कार के लिए शिफ्ट गियर फंक्शनैलिटी डिफरेंट है जो कि चाइल्ड क्लास में बनी होगी, तो चाइल्ड क्लास वाला F1 चलना चाहिए। ये हो रही है प्रॉब्लम, और ये ओवरराइडिंग की प्रॉब्लम, बस ओवरराइडिंग में ही ये प्रॉब्लम होगी। हम ओवरराइडिंग करते ही इसलिए हैं कि चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के लिए चाइल्ड वाली डेफिनेशन चले, लेटेस्ट डेफिनेशन चले, लेकिन यहां पर क्योंकि पॉइंटर के थ्रू कॉलिंग हो रही है और पेरेंट के पॉइंटर के थ्रू कॉलिंग हो रही है तो चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाने के बावजूद भी चाइल्ड वाला F1 नहीं चल रहा है। ये प्रॉब्लम है, दिस इज कॉल्ड प्रॉब्लम इन फंक्शन ओवरराइडिंग। तो यहां क्या होना चाहिए था, या तो एरर आ जाती कि भाई नहीं चल सकता तो भी ठीक रहता, लेकिन एरर नहीं आ रही है। अगर इस बात को हमने नहीं समझा तो हम कहेंगे प्रोग्राम तो सही चल रहा है, कहीं कोई एरर नहीं आ रही है, और सॉफ्टवेयर बना के डिलीवर कर देंगे। लेकिन यहाँ पे नोटिस करने वाली बात है कि ये पेरेंट वाली फंक्शनैलिटी को चला रहा है जबकि उसे चलाना चाहिए चाइल्ड वाली फंक्शनैलिटी को, वरना फंक्शन ओवरराइडिंग करने का फायदा क्या होगा? और इसीलिए अब हम इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? अर्ली बाइंडिंग ना होने दिया जाए। अर्ली बाइंडिंग क्यों ना होने दिया जाए? क्योंकि अर्ली बाइंडिंग हो रही है तो पॉइंटर के टाइप को आधार मान रहे हैं और पॉइंटर के टाइप से कभी नहीं पता चलेगा कि उसमें किसके ऑब्जेक्ट का एड्रेस है। होना ये चाहिए कि लेट बाइंडिंग हो, अर्ली बाइंडिंग की जगह रन टाइम पे डिसाइड किया जाए, रन टाइम पे बाइंडिंग की जाए। रन टाइम पे इसलिए क्योंकि रन टाइम पे पता चल पाएगा कि पॉइंटर का कंटेंट क्या है, पॉइंटर में किसका एड्रेस। तो इसीलिए जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है तब F1 फंक्शन की बाइंडिंग होनी चाहिए। अब ये बात कंपाइलर को कैसे समझाएं कि उसे अर्ली बाइंडिंग नहीं करना है और इसकी लेट बाइंडिंग होने देना है। लेट बाइंडिंग मतलब डायनेमिक बाइंडिंग, रन टाइम पे बाइंडिंग। तो ऐसा करने के लिए, कंपाइलर को बताने के लिए, हम पेरेंट में जो फंक्शन बना रहे हैं उसके पहले वर्चुअल कीवर्ड लिख देते हैं। ये वर्चुअल कीवर्ड लिख देने से F1 फंक्शन वर्चुअल फंक्शन हो गया है और कंपाइलर को ये समझ में आ गया कि F1 फंक्शन की लेट बाइंडिंग करनी है। यस, इसी से पता चलता है, वर्चुअल लिखकर ही पता चलता है कि फंक्शन की लेट बाइंडिंग होनी है। तो एक वर्जन F1 का पेरेंट क्लास में है, एक वर्जन चाइल्ड क्लास में। ये फंक्शन ओवरराइडिंग ही है और फंक्शन ओवरराइडिंग के केस में ही आपको वर्चुअल फंक्शन बनाने की जरूरत पड़ेगी। तो वर्चुअल फंक्शन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो इनहेरिटेंस से रिलेटेड है, एक पेरेंट क्लास एक चाइल्ड क्लास। सेम प्रोटोटाइप के फंक्शंस पेरेंट और चाइल्ड क्लास में है, यानी ओवरराइडिंग हो रही है, लेट बाइंडिंग
कराने के लिए आप वर्चुअल लिखते हैं, यानी वर्चुअल लिखने से हुआ क्या, लेट बाइंडिंग होगी, अब अर्ली बाइंडिंग नहीं होगी, लेट बाइंडिंग होगी, तो क्या होगा, तो कॉल के वक्त पॉइंटर के टाइप को आधार नहीं माना जाएगा, पॉइंटर के कंटेंट को आधार माना जाएगा, और पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहे हैं, चाइल्ड के ऑब्जेक्ट को, इसलिए चाइल्ड के ऑब्जेक्ट वाला F1 फंक्शन कॉल होगा। हालांकि इसका मैकेनिज्म इंटरनली थोड़ा सा टिपिकल है जो हम समझेंगे आगे, लेकिन अभी मोटे तौर पर आप समझिए कि पॉइंटर के टाइप को आधार नहीं माना जाएगा, पॉइंटर के कंटेंट को आधार माना जाएगा, उस हिसाब से क्योंकि उसमें चाइल्ड के ऑब्जेक्ट का एड्रेस है, चाइल्ड क्लास वाला F1 चलेगा, यही हम चाहते थे। आपने पेरेंट क्लास में F1 को वर्चुअल डिक्लेयर कर दिया है, तो चाइल्ड क्लास में अलग से आपको वर्चुअल कीवर्ड लिखने की जरूरत नहीं है F1 के पहले, लेकिन F1 फंक्शन चाइल्ड क्लास में भी वर्चुअल फंक्शन ही है। इनफैक्ट क्लास A की किसी भी डिसेंडेंट क्लास में अगर F1 फंक्शन इसी प्रोटोटाइप के साथ बनाया जाएगा तो वो वर्चुअल फंक्शन ही माना जाएगा। हम एक क्लास में कई सारे वर्चुअल फंक्शंस बना सकते हैं, तो ये है वर्चुअल फंक्शन का कॉन्सेप्ट। लेकिन वर्चुअल फंक्शन की डिटेल हम अगले पार्ट में देखेंगे, क्योंकि इसका मैकेनिज्म इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा सा टिपिकल है, किस तरीके से काम होता है, किस तरीके से ये बाइंडिंग होती है, इसके लिए एक VPTR भी होता है, एक VTable भी होता है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, वो सब हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। लेकिन किसी को नेक्स्ट पार्ट थोड़ा ज़्यादा टिपिकल लगे तो यहाँ तक जो बात समझ में आई है उसको ज़रूर याद रखिए, ये आपके बहुत काम आएगी। तो यह हमें समझ में आया वर्चुअल फंक्शन का बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट, लेकिन हो सकता है कि आपको इसमें अभी भी कुछ डाउट्स हों, कुछ आपकी क्वेरीज हों, तो आप अपने इस वीडियो के नीचे जो कमेंट्स का सेक्शन है उसमें कमेंट लिखकर ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर कुछ डाउट्स है तो वो भी पूछिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। यदि आप चाहते हैं कुछ वेरिएशन के साथ मैं कोई एग्जाम्पल समझाऊँ तो वो भी आप लिखिए। आपको लगता है ये बहुत अच्छा है वीडियो, आपको समझ में आया है और आपके दोस्तों को भी इस तरह के वीडियो देखने चाहिए, तो आप इसको अपने फेसबुक वॉल पे शेयर करिए ना, उनको बताइए। तो आप इस वीडियो को लाइक तो करेंगे अगर आपको पसंद आया तो, और अगर कुछ शिकायत है, कुछ और इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है तो आप कमेंट भी करेंगे, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इस तरह के और वीडियोस की अपडेट्स आपको लगातार मिलती रहेगी। थैंक यू।